नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत स्वागत है। जैसा कि जन्माष्टमी का त्योहार आने वाला है, तो आज हम गोंद की पंजीरी बनाएंगे। गोंद की पंजीरी बनाने के लिए मैंने आधा कप गोंद लिया है, जिसको मैंने मिक्सी में थोड़ा सा ग्राइंड किया हुआ है। आधा कप मैंने बादाम गिरी ली है कटी हुई, आधा कप मैंने खरबूजे के बीज लिए हैं मस्कमेलन, और आधा कप मैंने देसी घी का यूज किया है। एक मैंने बड़ा नारियल, सूखा नारियल को कद्दूकस करके रखा हुआ है। एक नॉनस्टिक पैन लिया है, इसमें मैंने अपना देसी घी डाल दिया। थोड़ा सा गर्म करेंगे घी को। और इसमें मैं गोंद को हम फ्राई कर लेंगे। ये गोंद हमारा फूल के रेडी हो गया है और हम इसे अब निकाल लेंगे। गोंद निकालने के बाद हम इसी गर्म घी में अपने बादाम को भी फ्राई कर लेंगे। हल्का सा रेड टिंच आने पर हम इन्हें निकालेंगे। लगातार चलाते रहेंगे जिसे हमारा बादाम जो है वो काला ना पड़ जाए। ये देखिए, इसका कलर जो है वो थोड़ा सा जो है रेड कलर का हो गया है और इन्हें हम निकाल लेंगे। बादाम निकालने के बाद हम इसमें अपने खरबूजे के बीजों को भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। खरबूजे के बीज जो है वो कटकते हैं, इसलिए ध्यान से काम करना होता है। और थोड़े से रेडिश ब्राउन होने पर हम इसमें अपना नारियल का बुरादा डाल देंगे। आंच मध्यम कर देंगे और अपना नारियल भी हम भून लेंगे। मीडियम लो फ्लेम पर भूनने के बाद हम इसे भी निकाल लेंगे। आप कलर देखिए, इसका थोड़ा सा जो है वो लाइट ब्राउन कलर का हो गया है और इस मटेरियल को सारे को हम निकाल लेंगे। एक बड़ी परात में हमने जितना मटेरियल को फ्राई किया है वो सब हम उसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। इस सबको अच्छी तरह से हम एक दूसरे के अंदर, जिससे कि अलग ना मिले। और ये हमने सारा मटेरियल अपना मिला लिया। एक वोई वाला फ्राई पैन लेंगे और उसमें हम एक ग्लास पानी का डाल देंगे। पंजीरी जमाने के लिए इसमें मैंने एक ग्लास पानी में डेढ़ कप चीनी डालूंगी। और इसकी हम दो तार की चाशनी बनाएंगे। लगातार चलाते रहेंगे जिससे कि चीनी जो है वो अच्छी तरह से डिजोल्व हो जाए। इतने में हमारी चाशनी तैयार हो रही है। जिस थाल में हमने पंजीरी जमानी है हमने उसमें देसी घी लगा के रख दिया है। ये हमारी चाशनी लगभग रेडी हो गई है। ये देखिए, ये एक तार की चाशनी मेरी रेडी है।
इस चाशनी में हम अपना फ्राई किया हुआ मटेरियल सारा डाल देंगे। और इसको हम लगातार चलाते रहेंगे। सारे सामान में चाशनी लिपट जानी चाहिए। और इसको हम अपने थाल में जमा देंगे, थोड़ा दबाते रहेंगे। दबा दबा के पूरे थाल में हम इसको फैला देंगे। और ये हमारा थाल तैयार है। इसको एक डेढ़ घंटे के लिए हम जमाने के लिए रख देंगे। ये हमारी पंजीरी जम के तैयार हो गई है और इसे हम छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। ये हमारी जन्माष्टमी के लिए गोंद की पंजीरी तैयार है।